बसपा प्रमुख मायावती ने आज बहराइच के प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बसपा की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा भाजपा सहित अन्य पार्टियों पर जवाबी हमला बोलते हुए आने वाली 27 फरवरी को इन्हें करारा जवाब देते हुए उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। सीमा समृद्धि कुशवाहा जी आई है, मैं कुशवाहा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपसे चाहूंगा दो बार ताली बजा करके और इनसे अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास में उतना आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार होगी, यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार ने तो ज्यादातर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट कर एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है। हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जनहित की योजनाओं के तथा नए बनाए गए जिलों यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के भी जो नाम रखे थे हमारी सरकार द्वारा जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इस पार्टी का इनके प्रति ऐसा है कि प्रेम व इनका असली समाज।